हेलो एवरीवन, यूट्यूब फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे और आते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ये 200 वोल्ट 2000 आरपीएम 10 एम्पियर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो एक डीसी मोटर है, ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा और सेपरेटली एक्साइटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो सप्लाई किया है 200 वोल्ट किया है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। रेटेड डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑफ द मोटर, ठीक है। एक मोटर है, ठीक है, तो मोटर है तो करंट ऑब्वियसली बाहर से अंदर की ओर आएगा। और इफ द आर्मेचर ड्रॉप 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, जिस समय 10 से घट करके 5 हो जाएगा, उस समय टॉर्क कितना होगा ये हम लोग को पता करना है। तो टॉर्क हम लोग जानते हैं टाउ जो हमारा होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई। तो यहाँ पर फ्लक्स तो कांस्टेंट रहने वाला है अलग सोर्स है उसका, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग यहाँ पर आई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टी वन बाई टी टू हम लोग का कितना हो जाएगा, टाउ वन बाई टाउ टू इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू। अब टाउ वन हम लोग को निकालना पड़ेगा, आई वन पता है 10 एम्पियर, ठीक है, आई टू 5 एम्पियर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ वन बाई टाउ टू इज इक्वल टू आई वन 10 और आई टू 5। तो यहाँ से 2 एम्पियर मिलेगा। अब टाउ वन हम लोग निकाल लेते हैं, टाउ टू हो जाएगा टाउ वन बाई टू। अब टाउ वन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले बैक ईएमएफ निकाल लेते हैं। बैक ईएमएफ हो जाएगा वी माइनस आई आर इज इक्वल टू ई बी। तो वी का वैल्यू है 200 वोल्ट माइनस आई आर, आई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग करंट 10 एम्पियर और ये 2, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू ई बी। तो ई बी कितना हो गया, ई बी हो गया 180 वोल्ट, ठीक है, ई बी निकल गया। तो अब हम लोग पावर निकाल सकते हैं ई बी इंटू आई करके, तो 180 इंटू आई 10 इज इक्वल टू पावर हो जाएगा पावर टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा हम लोग को पता है, यहाँ पर स्पीड दे दिया है 2000 आरपीएम, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे टाउ इज इक्वल टू 180 इंटू 100, 180 इंटू कितना हो जाएगा, 180 इंटू 10 एम्पियर था, ठीक है, ए बी इंटू आई 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा 2πn/60, 2π इंटू एन का वैल्यू दिया हुआ है 2000, 2πn/60, 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, ओमेगा बराबर 2πn/60। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हम लोग को 8.59 देगा, 8.598, ठीक है। अब हम लोग को जो टाउ टू निकालना है, और टाउ वन बाई टू होगा, मतलब कि 8.59 को 6 कर देते हैं, 8.6/2, तो ये आ जाएगा 4.3, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 4.3 न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द स्पीड टॉर्क रीजन इन ए डीसी मोटर एंड कंट्रोल मेथड सुटेबल फॉर द सेम गिवन रेस्पेक्टिवली फील्ड कंट्रोल। तो फील्ड कंट्रोल किसके लिए होता है, यहाँ पर इसको हम लोग इस टाइप से याद रखते हैं। यहाँ पर इनिशियली में पी वेरी करता है और बाद में पावर जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बेस स्पीड के अंदर है। यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं आर्मेचर कंट्रोल यूज करते हैं, यहाँ पर फील्ड कंट्रोल यूज करते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा है पावर है, ये हमारा टॉर्क है। टॉर्क इनिशियली कांस्टेंट रहेगा और फिर इस टाइप से वेरी करेगा, ठीक है, टॉर्क का इक्वेशन है। तो अंदर फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल के अंदर क्या होता है, फील्ड कंट्रोल होता है एबव बेस स्पीड, ये जो होगा बेस स्पीड से ऊपर होगा और इसके इधर जो है बेस स्पीड के नीचे होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड कंट्रोल जो हम लोग यूज करते हैं वो एबव बेस स्पीड यूज करते हैं, और जो आर्मेचर कंट्रोल यूज करेंगे वो बिलो बेस स्पीड यूज करेंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का 2 और बी का 1, ठीक है। और यहाँ पर 1 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अगर 1 नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग इसको टॉर्क के लिए अगर देखेंगे, टॉर्क के रेस्पेक्ट में अगर देखना चाहेंगे तो हमारा बी का आंसर 4 हो जाएगा,
बी यहाँ पर आर्मेचर कंट्रोल जो है होगा वो हो जाएगा बिलो बेस टॉर्क, तो फील्ड कंट्रोल हो जाएगा एबव बेस स्पीड और बिलो बेस टॉर्क हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मार्क करेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, टू कंडक्ट लोड टेस्ट ऑन ए डीसी शंट मोटर इट इज कपल्ड टू ए जनरेटर। एक डीसी शंट मोटर है, यहाँ पर हम लोग डीसी शंट मोटर बना लेते हैं और यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये फील्ड वाइंडिंग होगा जनरेटर के लिए और ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये मोटर के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर मोटर को हम लोगों ने कपल कर दिया है जनरेटर के साथ और जनरेटर का ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, आर ए होगा और ये मोटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा और ये है फिर एक आर एल लोड रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, इसका उसके क्रॉस एक लोड आर एल रखा गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है द फील्ड ऑफ द जनरेटर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई, ठीक है, सेमी सप्लाई यहाँ पर जो वोल्टेज जो सप्लाई मोटर के लिए दिया गया है वही सप्लाई जनरेटर के फील्ड के लिए भी यूज हो रहा है। द आर्मेचर ऑफ जनरेटर इज कनेक्टेड टू ए लोड रेजिस्टेंस, द आर्मेचर ऑफ जनरेटर इज कनेक्टेड टू ए लोड रेजिस्टेंस, इसका जो आर्मेचर है जनरेटर का वो एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.02, ए 0.02 पर यूनिट दिया हुआ है इसका वैल्यू। आर्मेचर रिएक्शन एंड मैकेनिकल लॉस कैन बी निगलेक्टेड विथ रेटेड वोल्टेज अक्रॉस द मोटर, रेटेड वोल्टेज मतलब यहाँ पर 1 यूनिट हम लोग वोल्टेज सप्लाई मान लेते हैं मोटर के अक्रॉस, रेटेड वोल्टेज अक्रॉस द मोटर द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस द जनरेटर इज एडजस्टेड टू ऑब्टेन द रेटेड आर्मेचर करंट। इसमें बोल रहा है कि रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, मतलब कि यहाँ पर भी हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, और करंट का वैल्यू और यहाँ पर वोल्टेज भी 1 पर यूनिट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका बैक ईएमएफ निकाल लेंगे, ईवी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - I × R, यहाँ से भी जो करंट फ्लो करेगा आर्मेचर करंट इसको भी 1 पर यूनिट ही रखेंगे, तो 1 माइनस यहाँ पर जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा वो 0.02 हो जाएगा इंटू 1, तो ये हम लोग को देगा 0.98। अब ई बी इंटू आई ए मोटर के लिए जो पावर होगा, ई बी इंटू आई ए मोटर का जो ये पावर है वो पावर ट्रांसफर हो जाएगा जनरेटर को, तो जनरेटर के लिए भी हो जाएगा ई बी इंटू आई जी, आई एम यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ से आई एम और आई जी दोनों का वैल्यू इक्वल है, दोनों 1:1 है, तो ई बी जो मोटर का है वही जनरेटर का भी हो जाएगा, मतलब कि ई बी जी इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.98, दोनों इक्वल होगा मोटर और जनरेटर का। अब जब यहाँ पर ई एम एफ पता चल गया है और करंट पता है तो हम लोग यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं वी जी, वी जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी जी इज इक्वल टू ई माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है, तो ई का वैल्यू 0.98 माइनस आई ए आर ए कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है, तो ए आ जाएगा 0.96, ये हम लोग को वी जी मिल गया। अब हम लोग को आर एल निकालना है, तो आर एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी जी बाई आई जी, आई जी तो 1 है तो ये 0.96 हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो 0.96 ऑप्शन कौन सा है, सी, तो 1.20 का सही आंसर जो होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मिलाना है कौन किसके लिए सही है, तो सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन सही देख लेते हैं, डीसी मशीन के लिए दिया है पी और एस, तो देखते हैं पी और एस सेटिस्फाई करता है कि नहीं। पी में दिया है स्टेटर वाइंडिंग करंट इज डीसी, हम बोल रहे हैं कि स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट होता है डीसी सप्लाई करते होता है और रोटर वाइंडिंग में जो करंट होता है वो एसी होता है, तो किसी भी डीसी मशीन के अंदर जो रोटर में जो करंट फ्लो करता है वो एसी करंट फ्लो करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और एस स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटर है साइलेंट पोल, पोल जो होता है स्टेटर में लगा होता है और रोटर है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर रोटर में लगा होता है, तो ये भी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है डीसी मशीन के लिए। दूसरा है सिंक्रोनस मशीन में क्यू, क्यू दिया है स्टेटर वाइंडिंग करंट इज एसी, तो स्टेटर में जो हम लोग करंट देते हैं वो एसी होता है, रोटर वाइंडिंग होता है डीसी, डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं रोटर को, ठीक है, तो ऐसा होता है सिंक्रोनस मशीन में, सही है। उसके बाद टी बोल रहा है रोटर हैज साइलेंट पोल एंड स्प्रिंग एंड स्टेटर इज सिलेंड्रिकल, तो स्टेटर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और रोटर साइलेंट पोल होता है, ये भी सही है, तो ये भी सही होगा। उसके बाद बोल रहा है इंडक्शन मशीन में
आर और यू, आर दिया है स्टेटर वाइंडिंग करंट इज एसी, इसमें स्टेटर रोटर दोनों करंट एसी होता है, ठीक है याद रखना। इंडक्शन मशीन में इंडक्शन जो मोटर होता है इसमें दोनों स्टेटर रोटर दोनों के लिए हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, लेकिन सिंक्रोनस में स्टेटर में हम लोग एसी देते हैं और रोटर जो होता है वो डीसी से एक्साइट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यू जो स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटर एंड रोटर है पॉलीफेज वाइंडिंग, दोनों थ्री फेज वाइंडिंग होता है, तो ये भी सही है, तो हम लोग का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।